नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों आपने रानू मंडल का नाम खूब सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है, ऐसा ही रानू मंडल के साथ हुआ है। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अपना पेट भर के गुजारा करने वाली कैसे बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया, आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानू मंडल अब ना सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टार बन चुकी है बल्कि बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी है। रानू मंडल ने म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के लिए गाना भी गा लिया है। पश्चिमी बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करने वाली रानू मंडल अब ना सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है बल्कि बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी है। रानू मंडल ने म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के लिए गाना भी गा लिया है। अब सिर्फ खबर आ रही है कि हिमेश रेशमिया के लिए गाना गाने के लिए उन्होंने लगभग 6 से लेकर 7 लाख रुपये मिले हैं। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इतना तो तय है कि संघर्ष भरा जीवन जीने वाली रानू मंडल की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इसे लेकर बॉलीवुड में रिएक्शन आने भी बंद नहीं हुए हैं। गीतकार मनोज मुंशीर ने ट्वीट के जरिए रानू मंडल के स्टार बनने की तारीफ के साथ ही गीतकार संतोष आनंद की सुध लेने के लिए भी कहा है। रानू मंडल ने संतोष आनंद के लिखे गाने जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है के जरिए लोकप्रियता हासिल की थी। तो दोस्तों, रानू मंडल ने किस प्रकार रेलवे स्टेशन पर गुजारा कर अपना पेट भरने के साथ ही बॉलीवुड तक का सफर तय किया है। तो दोस्तों, जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।